less on the who. Derivation of third order reaction, तृतीय कोट ऑफ क्रिया का वेग समीकरण. तृतीय कोट ऑफ क्रिया. अब एक चीज देखो, सबसे पहले जब शून्य कोट और प्रथम कोट ऑफ क्रिया द्वितीय कोट का करते थे तब हम लोग क्या करते थे, तो वही वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे. तो इधर देख लो, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है तो तीन अभिकारक ले लो. देखो ए प्लस बी प्लस सी और ये बनाएगा एक प्रोडक्ट. प्रोडक्ट अब देखो प्रारंभ में तो यहाँ पे मानो ए, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए है वही वाला और यहाँ पे मानो जीरो. अब टी समय बाद इधर एक्स तो ये घट जाएंगे तो ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स. अब देखो यहां पे हम लोग करते थे उस वाले में डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती. ये लो की बार तीनों लो, द्वितीय कोट में दो लेते थे अब की बार तीनों लो, तो ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स. यहां तक आ गए समझ में. अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी ये बराबर कर सकते हैं और इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे के ला सकते हैं, तो ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स. कोई दिक्कत नहीं. अब देखो एक चीज, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स का क्यू हो जाएगा. तीन बार लिखा है क्यू हो गया, तो डी एक्स अपॉन अब ये वाला नीचे आ जाएगा तो ए माइनस एक्स क्यू बराबर के इन टू डी टी. ये इधर से उधर पहुंच गया, ये उधर से इधर आ गया, तो समीकरण नंबर पहला. अब देखो समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर करो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स क्यू बराबर के इंटू डी टी. यहां पे हो जाएगा वन अपॉन टू ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के टी प्लस सी. इसे मान लो समीकरण नंबर सेकंड. अब देखो यदि एक्स बराबर जीरो, टी बराबर जीरो, तो सी बराबर क्वेश्चन मार्क. अब समीकरण सेकंड ये है तो यहां पे ये वाली वैल्यू रखो तो वन अपॉन ये निकला हमारा सेकंड समीकरण, तो वन अपॉन एक एक्स की जगह पे हम लोग रख देंगे जीरो. यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो, या फिर ऐसे कर लो, लिख लो पहले यहाँ पे ए माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर के टी प्लस सी. अब रखो तो वन अपॉन टू ए माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर के टी तो इन टू जीरो प्लस सी, तो ये हो जाएगा सी बराबर वन अपॉन टू ए स्क्वायर. सी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर. अब देखो सेकंड वाला ये है, यहां पे लिख लिया था हमने, तो वन अपॉन टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर के टी प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू ए स्क्वायर बराबर के टी, और यहां से के बराबर निकाल लो तो के बराबर हो जाएगा वन अपॉन टी कोष्टक में वन अपॉन टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वन अपॉन टू ए स्क्वायर. ठीक है, यही आपका तृतीय कोट ऑफ क्रिया का वेग समीकरण है. अब देखो अगर कोई दिक्कत आई हो तो एक बार फिर से समझ लो, पास लाओ. अब देखो यहां से पहले हम शून्य कोट ऑफ क्रिया में ए अभिकारक मानते थे, प्रोडक्ट बनाते थे. अब यहाँ पे क्या है, हमने तृतीय कोट ऑफ क्रिया है तो हमने तीन अभिकारक ले लिए ए प्लस बी प्लस सी और प्रोडक्ट बनाया. प्रारंभ में ए ए ए और जीरो, टी समय बाद ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और एक्स माना था वहां पे, तो डी एक्स अपॉन डी टी. अभिकारक कणों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है ना, द्रव्यमान प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था ना हमने गुलबर्ग और बागे के अनुसार. तो अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के
तो डी एक्स अपॉन डी टी क्यू हो गया। अब देखो इधर का इधर और उधर का इधर चला गया, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का क्यू बराबर के इन टू डी टी। सभी का नंबर पहला मान लिया, एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दिया, यहाँ पे वन अपॉन टू आ गया, ए माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर के टी प्लस सी आ गया। सभी का नंबर सेकंड मान लिया, यदि एक्स बराबर जीरो और टी बराबर जीरो तो सी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो वन अपॉन टू ए माइनस एक्स, ये समीकरण सेकंड है, यहाँ से ये वाला उठा के हमने यहाँ पे रख लिया, समीकरण सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमने वैल्यू रखी तो सी का मान निकाला, अब सी का मान क्यों निकाला जब और रखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे सी का मान हमें रखना होगा, कहाँ पे, समीकरण सेकंड में, जिस जगह पे सी मिलेगा वहीं पे सी का मान रखेंगे, तो हमने मान रख दिया और हमारा ये प्राप्त हो गया। यही था तृतीय कोटि का बेस समीकरण।